एवरीवन वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि यू आर डूइंग वेल। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं UGC और NTA के लिए रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो देख करके, बिकॉज़ अगर आपका NTA और UGC एग्जामिनेशन अगर नहीं निकला है, नीट अगर क्रैक नहीं हुआ है, तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, और जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको दे रही है, वो है PhD में एग्जामिनेशन, यानी कि PhD में एडमिशन का। देखो गाइस, DU के लिए, JNU के लिए और BHU के लिए और BBAU के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि PhD में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है ना। इन तमाम नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो, एक अच्छा मौका है आपके पास कि आप फिर से PhD में एडमिशन का, अगर आपका PhD का सपना है, ड्रीम है एडमिशन का, तो इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करो। सिलेबस वगैरह लगभग सेम है जो UGC नीट का है, सेम है वैसा ही। और इसमें क्या है कि इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे देखो, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, नो निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वगैरह मेंशन किया गया है, लैंग्वेज टेस्ट विल बी देयर द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज एस्पेक्ट, लिंग्विस्टिक, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, लिटररी स्टडीज, दीज ऑफ टू सब्जेक्ट वुड बी इन इंग्लिश, ठीक है ना, ये इंग्लिश में ही होगा। उसके बाद ये पॉइंट नंबर सेकेंड देखो, तो बाइलिंगुअल में होगा, कॉमन सेक्शन और कॉमर्स या फाइनेंस, आर्ट, कल्चर, ये सारे जो है ये कॉमन सब्जेक्ट रहने वाले हैं। उसके बाद आप यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के बारे में देखो, तो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को भी फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर टाइमलाइन के बारे में भी बातचीत किया जा रहा है, और कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाई अगर कर चुके हैं तो वो चेंज भी कर सकते हैं सब्जेक्ट में। एक बार मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले जा करके विजिट करवाता हूँ और वहाँ पे देखते हैं कि, तो यहाँ पे मैं आपको लेकर के आ गया हूँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। और यहाँ पे आप देखो तो ये वैकेंसीज़ के बारे में बातचीत किया जा रहा है, रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में बातचीत किया जा रहा है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखो यहाँ पर। और यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट यहाँ पे आ चुका है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एप्लीकेशन PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम, DU, JNU और BHU, ये सब का आ गया है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप क्लिक करो, और जैसे ही क्लिक करोगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसे क्लिक करोगे और देख लोगे। फॉर्म का डेट जो है वो मेंशन किया गया है, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है, 8/9/2023 तक, रात्रि को 9 बजे तक, ठीक है ना। लास्ट डेट जो है वो है आपका 8/9/2023 तक ही। उसके बाद एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हो 9 से 11 तक, यानी कि 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आप एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हो। एडमिट कार्ड के लिए अभी कोई डेट नहीं आया है, एग्जामिनेशन डेट अभी पब्लिश नहीं किया गया है। एग्ज़ाम 3 घंटे की होगी और ये वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया जाएगा, और एग्जामिनेशन आपका सिर्फ इंग्लिश में होगा, ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में देना, इस बात को भी ध्यान में रखना। उसके बाद क्या है, तो बस इतना ही है, बेसिक सा आपके पास इन्फॉर्मेशन था, इतना ही है, और इसके अलावा कोई भी अपडेट अभी नहीं दिया गया है। और ये 9 अगस्त को ही आ गया था, और आज 11 अगस्त को एक नया अपडेट आया है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।